हेलो एवरीवन, हमारे सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जिन्होंने इस सेंटेंस को सही बताया है और जिन्होंने इस सेंटेंस को सही बताया, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु फील्ड में चर रहे हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इन दोनों में से कौन सा सही है? जिन्होंने ये वाला सही बताया है उनका बिल्कुल गलत है, जिन्होंने इसको सही बताया बिल्कुल ठीक है। क्यों? जो कैटल वर्ड होता है, कैटल का मतलब होता है पशु, जो कैटल वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे वैसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंगुलर फॉर्म वाले वर्ड्स पढ़े थे, इस बार हम प्लूरल फॉर्म पे बात कर रहे हैं। तो प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा आर में आएगी, हमेशा, तो उसको सीख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब देखिए, हमारे सामने ये वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। स्टार्ट करते हैं हम कैटल से, जिसका भी हमने सेंटेंस बनाया है, जिसका अर्थ होता है पशु। जेंट्री का मतलब होता है शिष्टजन, पीपल का मतलब होता है लोग। सीजर्स कैंची, सीजर्स इज कभी नहीं होगा, सीजर्स आर, क्लियर है। शूज रिचेस, जिसका मतलब होता है धन। स्पेक्टेकल्स एनक, स्पेक्टेकल्स के साथ ही यूज होगा, स्पेक्टेकल नहीं होगा, स्पेक्टेकल्स होगा। थैंक्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल कभी नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है। वेजिटेबल्स आर लाइंग हेयर, इस तरह का सेंटेंस बनेगा, आर लग के, इज लग के नहीं बनेगा। इसी तरह ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, पायजामा। टोंग्स चिमटा, क्योंकि इनके साथ दो चीजें एक साथ जुड़ी होती हैं, टोंग्स। सीजर्स में भी आप देखते होंगे इस तरह की होती है कैंची, तो सीजर्स, सीजर्स आर, टोंग्स आर, वेजिटेबल्स आर, इज का यूज नहीं होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हम अभी देख रहे हैं ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि हम इनमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।